ये क्या फूल लगा यो नाचनी सही से इसको प्यार से हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तनु चिल्वाल। सो दिन की शुरुआत हो गई है और सुबह सुबह धूप भी आ गई है। लग रहा था कि सरादू में बारिश होगी, तो लगता है सरादू में भी बारिश नहीं होने वाली है। तो ठीक ही है, काम दाम तो शुरू हो रखा है हमारे वहाँ, तो बारिश तो नीचे है अभी, क्योंकि खेती बाड़ी सब सिमटी जा रही है। तो बने रहो आप लोग पहाड़ की लाइफ स्टाइल, जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर एंड लाइक कर देना, बने रहना मेरे साथ, देखते रहना मेरा ब्लॉग। थैंक यू। देखो सुबह सुबह धूप आ गई है चमचमाती हुई, कल शाम लग रहा था कि बारिश होगी और बूंदेबांदी भी हुई थी, तो बाद में बारिश रुक गई है, अभी आ गई है धूप। देखो मौसम सुबह सुबह का, मैं आया हूँ ऊपर वाले छत में, खेत में, सॉरी छत में कह रहा हूँ। तो यहाँ मिर्च सूख लाल हो रखी है, इसको टिपनी है। देखो फिर से मिर्च लाल हो गई है, मम्मी आ रही है इनको तोड़ेंगे अभी। और कल को बूबू का श्राद्ध है, तो आज हवीक है, तो पापा और मम्मी तो खाना दिन में खाएंगे एक ही टाइम। और राधा बना रही हमारे लिए सब्जी, हरी सब्जी। और देखो इस वाले पेड़ पे ना, इधर वाले पेड़ पे मैंने अमरूद दिखाए थे आपको, सबसे पहले पकते हैं, अभी इन पे लौकी लग गई। देखो देखो एक यहाँ पे लगी है, दो, तीन, एक छोटी सी लग रही, चार। इसका वेल ना यहाँ से आया नीचे से, इस पर लौकियाँ लगने लग गई अब। ये हैं मिर्ची के पेड़, देखो पूरी पकी हुई है मिर्ची इसमें। चलो चलते हैं घर, करते हैं काम धाम की शुरुआत। ये देखो एक केले का चाक यहाँ पे है। सुबह सुबह का मौसम, देखो लहसुन भी जम गया है, इसमें मूली भी जम गई। यार ये वाली मूली की सब्जी खा रहे हैं आजकल हम, हरी सब्जी इसकी। अब इसमें जड़ भी लगने वाले हैं कुछ टाइम के बाद। उस साइड और पीछे की साइड मैंने गाजर और चुकंदर बो रखा है, देखते हैं जमता है नहीं जमता है। इधर है मेथी, एक लौकी यहाँ पे लगी है, ये देखो। अब मम्मी जा रही है मिर्ची तोड़ने के लिए, भाग रहे है, भाग रहे है। ये देखो प्राल लेके और यहाँ पे सुबह सुबह के नज़ारे देखे, बगिया बात देखी है बाहर। राधा बना रही है सब्जी, आप गूद रही आटा, और पुसु खेल कर रहा है पट्टियों के साथ। ये रखिए हरी सब्जी, इतनी सी सब्जी बस। पति है उसका नाराज दो जने है ना, राधा और मैं, गले हो जाती थोड़ा थोड़ा। मम्मी खा भी फास्ट है, वीक है ना, तो मम्मी पापा बाद में खाएंगे। ये देखो ये खेल रही है यहाँ पे, लाल मिर्च खा रही है। ये पुसु को देखाता हूँ आपको, ऐसे ही करते रहता है ये। भाग रहे, ये देखो इतनी होगी है अभी, इस साइड में है ही। अच्छा तैयारी करे ले पे तो इलाज। हाँ हबीब बे, हाँ हबीब बे, अरे फट जाई, अब नो को खेड़ों दाव बोन स्वाट की।
सौंठ ये होते हैं, ये जिन्हें लोबिया कहा जाता है, ये सूखे वाले तोड़ के मम्मी, ये वाले ये सूखा है ना, जैसे इसको तोड़ के ले जाएंगे, इसकी दाल बनाएंगे आज। क्या कहो? ये इनमें से निकालेंगे दाल, फिर बनाएंगे दाल। ये पापा सुबह सुबह बाल निकाल के ले आए हैं। तो ट्यूब को ऑयल पैर दे, तो ट्यूब हटा दिया, ट्यूब बलने लागने, तो ट्यूब बलने लागने, तो मच्छर चटकोनी खाते। ये निकाल के ले आए हैं बाल। और आप कदे लाला पे गाऊ बे अल्लाह को देना, आई बहुत बीत गया तुमसे। मम्मी कहीं गए? अब तो नहीं जा रही है। हाल लगो तो है। वो मर्जी टिम ना रहे। ओ दे बाबू देख आज लाग क्या। ओ दे तो यो लाना होई गेल ना जे ना। तो होई गेल ना वो गाड़ों का। अच्छा। आज हबीब है। हाँ हबीब भाई। पाँच क्या खा ली? हमारे पास क्या पकी बात पिज्जा? आप क्या खान जाए? क्या ना खान चुमा? पकोड़? शो धरक चुमिया ना धरा रहा है। माचू। जाओ पन। राधा जाओ पन दरिया होगा। दर खून। आज के हबीब है। क्या खाना ताजी के मैं? जाओ खाली पांच तू अभी एक दूसरे जी हूँ वो भगारा मात में धरी आ रही केवन के खिलाफ। अच्छा आई मलिस ना आई वहां भेड़ मले है जनी गार्डन तू अभी एक दूसरे जी उनको बोलियो फिर लियो नहीं कर जा प्यान सुई से तो ल्या पे प्यान सुई प्यान सुई पे कौन तब में देख पन नहीं देख पाते बजा तो अच्छे तक निकाल दिया तो बलने लगने। ये खार में चंदन लगाई बे। कितना चंदन लगोने बे? खार में लगा रखो। परमार्थन। ठीक लगाई बे। चंदन लगोने बे। चंदन को बे काम। अभी कबे मनी नहीं बे। यार तुझे भी नहीं कर। है क्या आज यार? तो जोक रही है क्या? क्या जोक रहा है बे बता ना? ये तो। है तो नहीं सब तो जो करेंगे तवल टूब ने सब पड़ी भाई बाबा के गरम होने वाले उला जा ले गरम है ये तुम नहीं गरम ये कभी बहुत हो गई ना तब मुसलन जा आ खूब खरोड़ खनो हां देखो मैं एको तण से आयो दो आ जानी से छे हां छे छे ने चाव ना जा ला इशा लयो इशा नि बायो देखो ये को और दिन की तोड़ दे दगा ले क्या फूल ला गयो यो नाच करनी सही से इसको प्यार से दे दे। आज हमने सारी लौकियां तोड़ दी हैं बड़ी बड़ी वाली, ये देखें इनको सुखाएंगे बाद में सब्जी बनाएंगे। इनको सुखा के रख देते हैं क्योंकि बाद में राधा के लिए काम आने वाली है ये। चटपटा खाना तो इसको खाना नहीं है बाद में। तो लौकी का जूस पिलाएंगे, ये देखो इसकी सब्जी बनाएंगे बाद में। इसको छिल के काट के सुखा देते हैं, बाद में इसकी सब्जी बनाएंगे। ये हमने सारी लौकियां काट दी है और अंदर का इसमें रख दिया। इसका बनाएंगे हम गल को बनाएंगे, पीठ पकाएंगे बकरियों के लिए। और मम्मी आज मिर्च तोड़ के इतना और लेके आ गए हैं, झाड़ू भी बना के लेके आए हैं। वो देखो नया एक झाड़ू और इसको सिखाएंगे इसमें मम्मी की धोती में। मम्मी ने इतनी मर्च तोड़ के लेके आए और हमने ये काट दिए हैं। ये देखो ये पराग आठ लौकियां थी इसमें।
एक लौकी का जूस बना के पी भी लिया। लौकी का जूस भी बड़ा अच्छा हो रहा था, मीठा मीठा, मेरे को तो अच्छा लगा। पहले कभी पिया था ना? मैं बोलती थी छी कौन पिए, अच्छा नहीं लगता है बोलती थी। प्राइस मोट पड़ो नहीं बाबू को आशी लंबा लंबा बने हैं। बताओ बताओ लंबा कैसे हैं वो तो इसे ये मम्मी लेके आ गए हैं, अब सुखाएंगे इसमें। ये देखो जा लो कितनी देखा हमूली तू लोग सुखा ली। तो हमने सुखा के अब ये शाम तक सूख जाएगा जहाँ तक है, नहीं तो दो तीन घाम धूप में और सुखाएंगे इसमें दो तीन दिन, फिर ये कड़कड़ी जाएगा, उसके बाद इसको रख देंगे, फिर ये काम आएगा हमारे पास यूनन में, मतलब ठंडों के दिनों में। शाम का टाइम, सुबह तो बहुत बादल रहते हैं, अभी देखिए हल्के फुल्के बादल हैं और हम लग गए अपने काम धाम में। मम्मी गई है खेत में, पापा गए हैं छान बकरियों को चारा देने के लिए, पीठ देने के लिए, खाना देने के लिए, और राधा कूड़ने में लगी है धान, ये देखिए, और तैयारियां होने लगी हैं। ये नए धान हैं जो ऊपर ना अभी काट भी नहीं रखे हैं, कुछ मम्मी तोड़ काट के ले आई, जो काट के ले आई थी उनको, उनके दाने निकाल के उनको ओखल में कूट के उनके चावल निकालेंगे, उसके बाद परसों श्राद्ध है उसमें रखेंगे, प्रसाद बनाएंगे इनका। ये देखो राधा लग गई है कामदार बुआरी कूटने में, उसके बाद बताया था कि परसों को बुबू का श्राद्ध है, उसके लिए तैयारी चल रही है, नए धान के उनके लिए वो बनाएंगे प्रसाद, क्योंकि बोलते हैं बुबू को बहुत अच्छा लगता था प्रसाद। ये हो गया है, कूट दिए हैं इनको, हमको इससे फटकेंगे सूप से, उसके बाद ऐसे हो जाएंगे, इनको एक बार फिर कूटेंगे उखल में। देखो लाल चावल है ये, उसके बाद रख देंगे इसको। देखो इसमें से सारे धान के चावल बन गए हैं, जो पहले आपको पीले पीले से धान दिखाई दे रहे थे ऐसे कलर के, वो सब चावल बन गए हैं। अब इसको फटकेंगे, उसके बाद चावल निकालेंगे इसमें से।